यार ये लॉकडाउन आई थिंक हम सबके लिए एक बहुत ही नया एक्सपीरियंस रहा है। सबने एक चीज़ तो लॉकडाउन में सीख ली है कि सिर्फ एक इंसान के लिए खाना पीना और जिंदा रहना इज़ दी ओनली थिंग दैट इज़ इम्पोर्टेंट। यू नो, बड़ी सी बड़ी कारें नीचे रह गई और यू नो द ओनली आई थिंक सबको ना एक वर्थ लाइफ लाइफ की और शायद ज़्यादा अच्छे से अहमियत समझ में आ गई। सो आई थिंक ये शायद भगवान का कोई यू नो वो था, पुश था यू नो ह्यूमैनिटी को रियलाइज़ कराने के लिए कि उनकी वर्थ क्या है एक्चुअली में। और इसी चीज़ को आई थिंक फॉरवर्ड करते हो, आई थिंक एक स्पिरिचुअलिज्म थोड़ा ज़्यादा हो गया है। मैंने बहुत कुछ किया लॉकडाउन में, मैंने पेंटिंग में पहले भी करती थी लेकिन मैंने बहुत भरपूर पेंटिंग्स बनाई। मेरा बेटा जो है जेरिन, वो सडनली उसकी हाइट बड़ी हो गई उसी दौरान, लॉकडाउन के दौरान, और सारे शॉप्स बंद थे तो मैंने स्टिचिंग सीखी, पुराने छोटे कपड़ों से बड़े कपड़े बनाए, विच आई थिंक वॉज एक्साइटिंग। मतलब आई कांट बिलीव कि स्टिचिंग मुझे इतना एक्साइटिंग लगा। और मैंने डायरेक्शन ट्राई किया है पहली बार। मैंने घर में छोटी छोटी स्टोरीज बनाना शुरू किया है अभी, क्योंकि अभी तक मैंने काम ऑफिशियली एक्सेप्ट नहीं किया है, शूट करना शुरू नहीं किया है, तो डायरेक्शन में मैं हाथ ट्राई कर रही हूँ। तो आई हैव डन अ लॉट, आई थिंक ये लॉकडाउन में वो सारी क्रिएटिविटी फूट फूट के निकली है। आने वाले दिनों में हम आपको ऐसे बड़ी बड़ी फिल्में डायरेक्ट करते हुए देखेंगे। आमीन, कुछ भी हो सकता है। एंड उसके बाद हम देख रहे हैं कि लॉकडाउन अब धीरे धीरे खत्म हो रहा है, सारी चीजें लोग बाहर निकल रहे हैं एंड लोगों के प्रोजेक्ट भी अनाउंसमेंट हो रहे हैं। आपके भी कुछ दो या तीन सिंगल बैक टू बैक आने वाले, थोड़ा सा जरा उसके बारे में बता दीजिए कि क्या होने वाला है उस सिंगल में, एल्बम में क्या कुछ करते हुए नजर आने वाली है यार। हाँ, एक्चुअली बहुत एक्साइटिंग लगता है जब सिंगल्स आते हैं। मुझे याद है जब हम कॉलेज में थे तब एल्बम्स का चलन था, फिर बीच में बिल्कुल चला गया, यू नो, बिल्कुल ही मतलब एल्बम्स वाला टाइम चला गया, यू नो, फिर अब वापस आया है एंड आई एम रियली एक्साइटेड क्योंकि आई गेट टू बी अ पार्ट ऑफ इट। तो मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग तीन सॉन्ग्स शूट कर रही हूँ बैक टू बैक, और एक बिल्कुल पंजाबी है, बिल्कुल हार्ड कोर देसी पंजाबी है, यू नो पंजाबी का तो मेरा थोड़ा कनेक्शन है ही। और एक प्रोड्यूसर है हिमांशु शर्मा जो प्रोड्यूस कर रहे हैं तीनों गाने, उनके लिए मैं शूट कर रही हूँ। और एक बहुत ही अच्छे और न्यू एक टैलेंट है रोहित के शर्मा करके, जो रैप भी कर रहे हैं, गाने भी गा रहे हैं, और उनके गानों के जो लिरिक्स हैं मैं बता नहीं सकती, बिल्कुल मुँह मतलब ऐसा आ रहा है मुँह तक कि मैं बता दूँ, बड़ा ही इंटरेस्टिंग उनके कॉन्सेप्ट हैं। और मैं नहीं चाह के भी एक चीज़ बताऊंगी, ब्यूटी ऑन स्कूटी, एक ऐसा एक छोटा सा मैं हिंट दे सकती हूँ। और इतना क्यूट है वो पूरा, जो अब सुनते हैं ना तो मतलब वो सुनने के बाद लगता है एक बार और सुना दो, एक बार और सुना दो। और दो तीन और ऐसे सॉन्ग्स आ रहे हैं, हम लोग अलग अलग लोकेशंस पे शूट करने वाले हैं, सो आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट इट। और कुछ और छोटे मोटे यू नो चीज़ें हैं जिसके लिए मुझे ऐसा लगता है कि लॉकडाउन के बाद जब काम करना शुरू करूँगी तो बहुत अलग एक ओपनिंग, क्योंकि ना अभी तक मैं डेली सोप करती आई थी और अब डेली सोप के अलावा मैं सब कर रही हूँ, तो इट्स क्वाइट एक्साइटिंग। जी जी, बातें करने से ऐसा लग रहा है कि बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है आपका सिंगल जितना कुछ भी है। जी, एंड हम देख रहे हैं कि साल का जो सबसे बड़ा कंट्रोवर्शियल शो होता है या हाइलाइट शो, टीआरपी वाला शो होता है बिग बॉस, घर से आगे तो आप बताइए कि पहले तो कितना फॉलो कर रही हैं आप इस बार का बिग बॉस 14? मैंने बिग बॉस देखना ही अपने सीजन से शुरू किया था, मैंने कभी भी बिग बॉस देखा नहीं था, विच इज़ वाई आई वॉज नॉट प्रिपेयर्ड वेन आई वेंट इनसाइड। लेकिन बिग बॉस 13 से मैंने देखना शुरू किया और अब मैं डेफिनेटली एडिक्टेड हो गई हूँ और देखती हूँ और देख रही हूँ। और ऑनेस्टली मेरा लालच तो सिद्धार्थ है, क्योंकि यू नो ऐसा लगता है अपना ही को कंटेस्टेंट है और थोड़ी अटैचमेंट तो है ही, तो आई एम क्वाइट एक्साइटेड टू सी बिग बॉस 14। यार मुझे लगता है कि जो रियल गेम है वो सीनियर्स के जाने के बाद ही शुरू होगी। जब तक सीनियर्स घर में हैं तब तक सब थोड़े से बंधे हुए हैं, तब तक यू नो सब थोड़े से अपने आप को कहीं ना कहीं रोक रहे हैं, बिकॉज उनको पता है कि ये लोग तो कर चुके हैं। तो यू नो आप जब बहुत ही कोई एक्सपीरियंस्ड इंसान या बहुत लेजेंडरी इंसान या कोई आपके सामने होता है तो आप अपना पूरा रंग नहीं दिखाते। तो मुझे लगता है कि जैसे ही सीनियर्स का एक कदम बाहर जाएगा यहाँ पे कलेश, क्योंकि सारे ही स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी हैं इस बार भी, तो आई थिंक द रियल गेम विल स्टार्ट जब सीनियर्स घर से जाएंगे। जी जी, तो जो फ्रेशर हैं अब तक जितने भी फ्रेशर हैं उनमें से किसका सपोर्ट करती हैं दलजीत जी, किसे मानती हैं कि हाँ ये आगे जाने वाले हैं, हो सकता है ये विनर हो सकते हैं आपके अनुसार?
यार मैं थोड़ी बायस्ड हूँ निशांत के लिए, क्योंकि मेरे को एक्टर रहे हैं, मेरे ऑन स्क्रीन पति रहे हैं, और ऑल्सो आई थिंक ही इज़ अ फैबुलस गाय. और ये मैं सिर्फ क्योंकि मेरे एक बहुत ही क्लोज फ्रेंड है इसलिए नहीं कह रही. आई थिंक जेन्यूनली वो एक ऐसे इंसान है जो अपनों के साथ टिके रहते हैं, उनका स्टैंड लेते हैं. स्पेशली अगर किसी लड़की के साथ गलत हो जाए तो उससे बर्दाश्त नहीं होता है, और मैं वो दिल से चाह रही हूँ कि वो उसका जो साइड है वो और दिखे. सो आई थिंक निशांत इज गोइंग टू बी स्ट्रॉन्ग, और वो किसी से नहीं डरता. वो बोलेगा तो मतलब फिर यू नो फुल ऑन बोलेगा. तो आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट निशांत जर्नी. मुझे बाकी निक्की बहुत इंटरेस्टिंग लग रही है. मुझे निक्की जब स्टेज पे आई थी तो यू नो मज़ा आ रहा था देखकर, लेकिन मुझे ये भी लग रहा था कि कहीं फेक तो नहीं है, यू नो कहीं वो क्यूट बनने की कोशिश तो नहीं कर रही, जो सबको ही लग रहा था कि कहीं. लेकिन नाउ उनकी जर्नी देख के लग रहा है कि नहीं यार वो ऐसी हैं कि मैं आई हूँ, मैं दोस्ती वोस्ती करने आई नहीं हूँ, मैं जहाँ जो करने आई हूँ मैं वो करूँगी, एंड आई एम गोना प्ले अ गेम. तो मुझे उनकी वो ट्रांसपेरेंसी धीरे धीरे बहुत अच्छी लग रही है. एंड अब हमने सुना कि आप बहुत ही बिग बॉस को बहुत ही फॉलो करती हैं, आप उसे कंटिन्यू देख रही हैं, सारे एपिसोड देख रही हैं. तो आप बताइए कि अब तक आपने जितना भी देखा, आपको क्या कुछ सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, एंड क्या कुछ कि यार ये नहीं होना चाहिए था, ये फाइट नहीं होनी चाहिए, आप बताइए आपके अनुसार. यार मुझे ना बहुत बुरा लग रहा था जब रिजेक्टेड कंटेस्टेंट्स को बाहर रखा गया, क्योंकि मैं उस घर में रह चुकी हूँ और मुझे पता है कि बाहर रात को बहुत ठंड हो जाती है, और उस ठंड में बाहर रहना उन काउचेस में, वो ओस जैसे वो काउचेस थोड़े गीले हो जाते हैं. सो इट इज़ नॉट ईजी टू स्टे आउटसाइड. और आई थिंक रूबीना बहुत देर तक रही, निशांत भी रहा, तो मुझे वो मतलब ऐसा लग रहा था कि कब ये लोग अंदर जाएं. मुझे निशांत का, जानू का, यू नो जान या जो भी वो उन सारे कंटेस्टेंट्स का वो अटेम्प्ट बहुत अच्छा लगा कि पहले ही टास्क में उन्होंने अपने बाल भी उड़ा दिए, निशांत ने बिकिनी पहन ली, यू नो तो ये करना इतना आसान नहीं होता है, और आई वॉज वेरी प्राउड. सो मुझे स्टार्टिंग बहुत इंटरेस्टिंग लगी. यार मेरे टिप्स तो यही है कि जो मैंने किया प्लीज मत करना उसको, और जो मैंने नहीं किया वो डेफिनेटली करना, क्योंकि मैंने कभी बिग बॉस देखा नहीं था. तो मेरा प्रॉब्लम ये हो गया कि मुझे उस गेम मैं ये सोच के गई थी कि जैसी मैं हूँ बिल्कुल वैसी रहूंगी, और मैं रियल लाइफ में ऐसी हूँ कि अगर किसी के बीच में कोई प्रॉब्लम होती है तो मैं अपना ओपिनियन नहीं थोपती. मुझे लगता है दो लोगों के बीच में वो सुधार लेंगे. जो बिग बॉस का घर नहीं है, बिग बॉस आपको सिखाते हैं कि अगर दो लोगों में प्रॉब्लम हो रही है तो जो भी आपकी आपके दिमाग में सही है, उस झगड़े में एक सही और एक गलत ऑब्वियसली होगा, आपके लिए जो सही है उसके साथ आप खड़े रहें और अपना भी ओपिनियन उसमें रखें. दैट इज़ वॉट बिग बॉस इज़ अबाउट. जो मैंने क्योंकि कभी देखा नहीं था तो मुझे नहीं पता था, लेकिन मुझे लगता है कि उन कंटेस्टेंट्स को अपने इंडिविजुअलिटी को, अपने कैरेक्टर को, अपने ओपिनियंस को बहुत स्ट्रांगली रखना चाहिए. अब नॉमिनीज की प्रक्रिया भी चालू होने वाली है, तो दलजीत जी किसे चाहेंगे कि ये सबसे पहले आउट होना चाहिए, घर से बाहर जाना चाहिए? यार पता है ऑनेस्टली जब तक सीनियर्स नहीं जाएंगे ना, बहुत मुश्किल है ये बताना कि असलियत में कौन कैसा है. अभी सब थोड़े से सबमिसिव भी लग रहे हैं, लेकिन कभी कभी उनका वो रूप दिखता है. और क्योंकि अभी आप देखो सिद्धार्थ बहुत स्ट्रांग है, हीना बहुत स्ट्रांग है, यू नो गौहर भी स्ट्रांग है, तो उनके बीच में शायद पवित्रा फिर भी दिख रही है क्योंकि बहुत स्ट्रांगली वो बोलती हैं. लेकिन जैसे निशांत है, मैं जानती हूँ इंडिविजुअली कि वो बहुत स्ट्रांग इंसान है. वो जब बोलेंगे तो भड़केंगे तो मतलब दीवार विवार टूट जाएगी, यू नो वैसे हैं. लेकिन वो अभी निकाल नहीं रहे क्योंकि मे बी इज़ रिस्पेक्टिंग द सीनियर्स, ही इज़ लेटिंग इट बी. तो एक्चुअली तो मैं तभी बता पाऊंगी जब आई थिंक जब सीनियर्स जाएंगे और जब असली गेम जिनकी गेम है उनकी गेम शुरू होगी. एंड सलमान खान जो कि इस बिग बॉस के बड़े होस्ट हैं, क्या कहना चाहेंगे आप उन्हें, कैसे वो जिस तरह से वो होस्ट करते हैं, आप तो वहां से आई हैं, तो बताइए कि सलमान खान जी के लिए क्या कहना चाहेंगे? सलमान सर को मैं जब पहली बार मुझे याद है मैं स्टेज पे मैंने एंटर किया था, तो उन्होंने बड़े प्यार से अपना हाथ देखे मुझे स्टेज पे लेकर आए थे, और जो इंटरव्यू उन्होंने मेरा लिया, इंटरव्यू माने जो हमारा इंट्रैक्शन हुआ, ही इज़ सो वॉर्म. लाइक उनकी एक अर्नेस्ट एक बिहेवियर है जो बिल्कुल नहीं लगता कि आप सलमान खान के सामने हैं. यू नो वो इतने प्यार से बोलते हैं, आपको इनडायरेक्टली हिंट्स भी देते हैं, यू नो कि आपको ये करना चाहिए, या आप इवन वीकेंड का वार जब आता है आप देखेंगे वो हेल्प करते हैं.
यू नो उन्होंने मेरी हेल्प करने की कोशिश की थी, लेकिन मैं क्योंकि गेम नहीं जानती थी तो मुझे समझ में नहीं आया. लेकिन सलमान सर वाकई में अगर आप अच्छा खेल रहे हो, उन्हें आप अच्छे लग रहे हैं, तो वो आपकी मदद भी करते हैं. यू नो वो आपको हिंट भी देते हैं, वो बस समझ, अगर आपने गेम देखा हुआ है तो आप समझ जाते हो. तो मुझे वो बहुत अच्छा लगता है. और मुझे आई थिंक उनका वो एक स्ट्रॉन्ग तरीके से वो वीकेंड में बताना कि तुम इस तरह से दिखाई दे रहे हो, यू नो एक नेविगेट करना, वो आई थिंक दैट्स वाई ही इज़ द बेस्ट होस्ट. और कोई बिग बॉस में फिलहाल तो मुझे नहीं लगता कि इतने अच्छे तरीके से होस्ट कर सकता है. एंड आई एम अ ह्यूज फैन, तो आई कैन गो ऑन. एंड दलजीत जी, इस बार जैसा कि सोशल मीडिया पर हम देख रहे हैं सुशांत सिंह राजपूत के केस से, ऐसे बहुत सारी सोशल मीडिया पर ऐसे बातें हो रही कि इस बार बायकॉट बिग बॉस, बायकॉट सलमान खान, इन सारी चीज़ों को जब दलजीत जी सुनती हैं, पढ़ती हैं, कैसे देखती हैं, कैसे? यार मुझे बहुत बुरा लगता है अगर कोई भी बोलता है कि बॉयकॉट करो बिग बॉस को, क्योंकि बिग बॉस एक ऐसा मंच है जहाँ पे कई लोगों ने अपनी दूसरी पारी खेली है. जैसे कई ऐसे एक्टर्स हैं जो यू नो, जैसे हम लोग एज एन एक्टर बहुत स्ट्रगल करते हैं. यू नो हम बहुत अच्छा करते हैं, कभी कुछ नहीं हमारे लायक, हमको हम जो अपने नज़रिए से करना चाहते हैं हमारे लायक कुछ नहीं मिलता, तो कई बार दो दो साल घर पे बैठते हैं, जिसमें फाइनेंशियल लॉस भी होता है, एक ईगो भी जाती है. बिग बॉस एक ऐसा मंच है जहाँ पे कितने लोगों ने अपने आप को रीडिफाइन किया है, कितने लोग, और बिग बॉस का एक ऐसा टाइम था जब वो फ्रेशर्स को भी एनकरेज करते थे. कितने आप अभी भी देख लीजिए, सना है, मैं फ्रेशर नहीं बोल रही हूँ, वो बहुत टैलेंटेड लड़की हैं जो बहुत बहुत ही एंटरटेनिंग है, और आज आई थिंक बिग बॉस के सारे कंटेस्टेंट में सबसे ज़्यादा फेमस वो है. तो ऐसे मंच को जो यू नो ऐसे नामों को इतना बड़ा बना सकता है, वो पोटेंशियल हो, तो आई थिंक ऐसे मंच को ही तो प्रमोट करना चाहिए जो वाकई में, जैसे मैं मेरे किरदार के लिए मशहूर हूँ, मैं अंजलि के लिए मशहूर हूँ, मैं शिखा के लिए मशहूर हूँ, मैं अंतरा के लिए मशहूर हूँ, लेकिन बिग बॉस आपको एज अ नेम, एज दलजीत कौर, आपको घर घर का नाम बनाता है. तो ये तो आई थिंक बिग बॉस को तो बॉयकॉट करना मुझे लॉजिक नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि हम सब कोई कहीं से आए नहीं है, हम तो मेहनत कर रहे हैं और वो मंच हमको एक और लेवल पे लेके जाता है, तो आई डोंट अंडरस्टैंड दैट लॉजिक. तो चलिए जाते आते अपने फैंस को, अपने दर्शकों को कुछ कहना चाहेंगे दलजीत जी? बहुत 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 सारा शुक्रिया करना चाहती हूँ. अभी अभी मैंने 1 मिलियन कंप्लीट किया है अपने इंस्टा फैमिली में, क्योंकि मुझे भी बिकॉज सोशल मीडिया की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी जब शुरू किया था, लेकिन देखते 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 इतना प्यार दिखने लगा, इतने लोग जुड़ने लगे, तो अब रियलाइज़ होता है कि इस प्यार की एक्चुअल वैल्यू क्या है, यू नो विच इज़ ग्रोइंग. सो आई वॉन्ट टू थैंक ऑल ऑफ़ यू फॉर बींग अ पार्ट ऑफ माई जर्नी, बींग अ पार्ट ऑफ माई गुड एंड बैड, मेरे अच्छे और बुरे में, कम और ज़्यादा में आप हमेशा मेरे साथ रहे हैं. सो थैंक यू, एंड आई होप कि इसी तरह से आप लोग प्यार बनाए रखें. सो थैंक यू फॉर एवरीथिंग गाइज. थैंक यू जी, थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए. थैंक यू, इतनी सारी बातें.